दोस्तों आप सब कैसे हैं। मैं आज आपके लिए बहुत मजेदार वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि हमारी वीडियो होने वाली है इस गुब्बारे के ऊपर, ये बैलून जो कि हम इसे आसमान में उड़ाने वाले हैं। तो दोस्तों जानिए कैसे उड़ा सकते हैं हम। दोस्तों ये हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनने वाले हैं, जो कि हम घर पर बनाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले एक पानी चाहिए ठंडा, जो कि ये हमने इसमें रख रखा है कास्टिक सोडा और सिल्वर पेपर और एक खाली बोतल और एक थोड़ा सा पानी, ठीक है ना। और दोस्तों ये हमने रील ले रखी है तो ताकि ये हम इसे बांध सके। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये सिल्वर पेपर आपको थोड़ा सा ले लेना है इसके अंदर। ये हमने सिल्वर पेपर ले लिया है दोस्तों, इसको छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और ये इसके अंदर डाल लो। दोस्तों हमने डाल दिया, इसके बाद करना ये है कि आपको ये पंप की सहायता से इसके अंदर प्लास्टिक देनी है। दोस्तों हमने इसके अंदर थोड़ी सी प्लास्टिक दे दी है, इसके बाद दोस्तों ये पानी इसके अंदर गिरना है। इतना पानी गिरना है दोस्तों ये टूट जाए, बस थोड़ा सा पानी इसे थोड़ी देर ऐसे रहने देना है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ भी हलचल चालू नहीं हुई है, ये होल लगी है। तो दोस्तों अब इसके ऊपर ये गुब्बारे की पिना देनी है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी पिलानी है ताकि हवा लीक ना हो, थोड़ा सा ऐसे करके हिलाना है। देखिए आप इसके अंदर से गैस बननी चालू हो गई है, अब इसे ठंडे पानी में ऐसे रख देना है। देखिए कैसे फूलने लगा, इतना बन लिया इसके अंदर, ज्यादा नहीं बनना ताकि गुब्बारा ना फट जाए। तो दोस्तों इसके अंदर अभी भी बहुत सारी गैस है, दोस्तों आप देखिए ये कैसा हमारा गुब्बारा उड़ा है। देखिए आपको हम कैमरे में करके दिखाते हैं। दोस्तों मैं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा, आपको दिख रहा है देखिए मैंने बनाया है गुब्बारा। दोस्तों देखिए कैसे हमारा गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ये देखिए कितनी ऊंचाई पर जा चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं अकेला था इस मारे, ये थोड़ा सही से नहीं हो पाया। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर जा चुका है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। ये देखिए हमारे घर से कितनी दूर जा चुका है, करीब काफ़ी ऊंचाई पे जा रहा है अभी ये। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़ यार, एक बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है दोस्तों, ये मैंने कितनी बार बनाने के बाद ये वीडियो मेरी बनी है। तो दोस्तों देखिए हमारा